सभी को नमस्कार। राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम अधिनायक तंत्र यानी कि तानाशाही डिक्टेटरशिप के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि अब तक हमने अध्ययन में पाया है कि लोकतंत्र जो है वह है शासन का एक सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है व्यवहारिक रूप से कि बहुत से देशों में लोकतंत्र के अलावा भी अन्य प्रकार की शासन प्रणालियां विद्यमान हैं जिसमें अधिनायक तंत्र का भी नाम है। तो अधिनायक तंत्र एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अधिनायक तंत्र हमें प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक दिखाई देता है, और इसीलिए हम जो हमारे पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन कर रहे हैं कि लोकतंत्र का प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक हम अध्ययन करते आए हैं, वैसे ही अधिनायक तंत्र भी प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक हमें दिखाई देता है। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में विद्यमान है। अब अधिनायक तंत्र से आशय क्या है कि अधिनायक तंत्र में एक ही व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार की शक्तियां निहित होती हैं। अधिनायक तंत्र में एक ही व्यक्ति समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, उसके द्वारा दिए गए आदेश ही कानून है। समस्त प्रकार के कानूनों का स्रोत वह अधिनायक ही होता है, समस्त प्रकार की राज्य की शक्तियों का स्रोत अधिनायक ही होता है। इसलिए अधिनायक तंत्र में अधिनायक सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, और जैसा मैंने बताया कि उसके आदेश ही कानून होते हैं। अधिनायक तंत्र जो है उसमें अधिनायक अपनी जो शक्तियां हैं वे जनता के समर्थन के आधार पर, सैन्य बल के आधार पर प्राप्त करते हैं, और इसमें अधिनायक तंत्र में शासन में वे लोग आते हैं जो कि वंशानुगत न होकर अपने स्वयं की वाक्पटुता के आधार पर, जनता के समर्थन के आधार पर, सैन्य बलों के आधार पर सत्ता प्राप्त करते हैं, कि अधिनायक वंशानुगत आधार पर सत्ता प्राप्त नहीं कर स्वयं के बल के आधार पर या कभी कभी जनता के समर्थन के आधार पर सत्ता प्राप्त करते हैं, और सत्ता प्राप्त करने के पश्चात मनमाने तरीके से शासन करते हैं। अधिनायक तंत्र के अगर प्रकार की हम बात करें कि अधिनायक तंत्र के दो प्रकार हैं, प्राचीन अधिनायक तंत्र और अर्वाचीन आधुनिक अधिनायक तंत्र। प्राचीन समय में अधिनायक तंत्र विद्यमान था। रोम के कुछ नगर राज्यों में कानून के आधार पर एक अधिनायक का पद सृजित किया गया था जो कि संकट के समय उसका प्रयोग किया जाता था, और संकट की समाप्ति के पश्चात अधिनायक जो है वह अपने पद से हटा दिया जाता था, कि युद्ध के समय, संकट के समय, बाहरी आपदा के समय राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के लिए अधिनायक के पद का सृजन किया गया था, जिसमें अधिनायक को समस्त शक्तियां प्रदान की जाती थी, लेकिन वे समस्त शक्तियां कानून के अधीन थी। प्राचीन समय में अधिनायक कानून के अधीन था, वह कानून के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता था, और उसका प्रयोग एक सीमित समय के लिए किया जाता था। संकट के समय उसका प्रयोग किया जाता था। आधुनिक अधिनायक तंत्र है वह एक प्रकार से
समस्त प्रकार की शक्तियों का स्रोत स्वयं है। कानून का पालन नहीं करकर स्वयं के आदेशों की पालना करता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र तानाशाही में या अत्याचारी शासन में विश्वास करता है कि अधिनायक तंत्र जिसका आशय ही तानाशाही, डिक्टेटरशिप या अत्याचारी शासन रहा है, और इसमें जो आधुनिक अधिनायक तंत्र है इसके अंतर्गत हम जैसे कि सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र जो कि अपने देश को आधुनिक विकास की ओर तीव्रता के साथ ले जाना चाहते हैं, राज्य के जो समस्त स्रोत हैं उन पर नियंत्रण करकर देश को तीव्रता के साथ आधुनिकता की ओर ले जाना। सर्वाधिकारवादी जनता के समस्त जो उनकी भावनाएं हैं उनके आधार पर सत्ता में बने रहकर और देश के विकास के लिए कार्य करना, जिसमें एक नेता, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक कानून, इसकी बात की जाती है। आधुनिक समय में जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी या सोवियत संघ में स्टालिन, ये सर्वाधिकारवादी अधिनायकवाद के उदाहरण हैं। दूसरी तरफ जब स्वेच्छाचारी अधिनायकवाद जो कि नए नए राष्ट्र अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका के जो स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के पश्चात जब वहाँ बिखराव हुआ समाज में, तब सैन्य बल के आधार पर इन अधिनायकवादियों ने सत्ता प्राप्त कर ली और जनता पर अत्याचार करने लग गए, स्वेच्छाचारी तरीके से, मनमाने तरीके से शासन करने लग गए। तो यह एक स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र है जिस जो कि नव स्वतंत्र हुए देशों में शासन व्यवस्था से के करने के लिए जो वैक्यूम पैदा हुआ उस वैक्यूम को भरने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इसलिए आधुनिक अधिनायक तंत्र के भी दो प्रकार, सर्वाधिकारवादी अधिनायकवाद और स्वेच्छाचारी अधिनायकवाद। लेकिन हमें याद रखना कि अधिनायक तंत्र में शासन अधिनायक की इच्छा के अनुसार होता है, शासन का स्वरूप अत्याचार ही होता है। और जैसे अगर इसके हम कुछ लक्षण क्या हैं अधिनायकवाद के, कि अधिनायकवाद का जो लक्षण कि यह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, जनता की किसी भी प्रकार की इच्छा में विश्वास नहीं रखता, यह शक्ति में विश्वास रखता है, हिंसा में विश्वास रखता है, पुलिस राज्य में विश्वास रखता है, शक्तियों के केंद्रीकरण में विश्वास रखता है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता है। हिटलर है, मुसोलिनी है, इन लोगों ने क्या किया, जनता के में राष्ट्रवाद के आधार पर, भाषण के आधार पर एक प्रकार का अपने लिए समर्पण का भाव पैदा कर लिया और उसके आधार पर जनता के समर्थन से मनमानी मर्जी से शासन करने लग गए। तो उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास कौन करता है, जो ये अधिनायक तंत्र के लोग। इसके अलावा अधिनायक जो है वह नागरिक स्वतंत्रताओं में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, संसदीय शासन व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं है। इसलिए अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या, लक्षण वही कि शक्ति में विश्वास करना, हिंसा में विश्वास करना, शक्तियों का केंद्रीकरण करना, संसदीय व्यवस्था के खिलाफ होना, लोकतंत्र के खिलाफ होना, नागरिक स्वतंत्रताओं के खिलाफ होना, जनता में राष्ट्रवाद का के विकास के आधार पर अपना समर्थन बनाए रखना, ये जो अधिनायक तंत्र के कुछ लक्षण हैं, विशेषताएं हैं
जो एक पुलिस राज्य की तरफ ले जाता है। और अधिनायकवादियों का मानना है कि वे लोग राज्य के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो जनता है उसका भी मानना है कि राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए अधिनायकवाद का होना आवश्यक है, वरना अस्थिरता पैदा हो जाएगी, अस्थिरता का दौर आ जाएगा। तो अधिनायकवाद क्यों अस्तित्व में आया, कैसे पैदा होता है अधिनायकवाद? तो आधुनिक समय में जो अधिनायकवाद है, इसका अस्तित्व में आना यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्सायी की संधि हुई, उसकी जो अपमानजनक शर्तें थी उसके आधार पर जर्मनी में, इटली में अधिनायकवाद पैदा हुआ, उग्र राष्ट्रवाद का ज्वार आया और उसमें हिटलर और मुसोलिनी उभर कर सामने आए, जिन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त था। वे पुनः जर्मनी को, इटली को महान बनाना चाहते थे, इसलिए वहाँ की जनता वर्सायी की संधि का बदला लेना चाहती थी। दूसरा, आर्थिक मंदी का प्रभाव, कि 1930 के बाद समस्त विश्व आर्थिक मंदी के दौर में आया, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्थाएं जो थी वे उस मंदी से निपटने में सक्षम साबित नहीं हुई, और तब लोगों का इन संस्थाओं में विश्वास कम हुआ। तीसरा, जो संसदीय शासन व्यवस्था थी, इनका सोवियत संघ के द्वारा, इटली के द्वारा, जो अधिनायकवादी लोग थे इनके द्वारा अपमान किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, और संसद को केवल बात करने की बातूनी दुकान कहा जाता था, लोकतंत्र को एक सड़ी हुई लाश कहा जाता था। और उस समय तक लोकतंत्र भी, जो भी थोड़े देश जो आज़ाद हुए थे वहाँ केवल आरंभ हुआ था, लोग लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हो पाए थे। तो उस तैयार होने से पहले ही अधिनायकवादियों ने राष्ट्रवाद का ज्वार लाकर उसे समाप्त करने का सोच लिया। तब अधिनायक तंत्र जो है वह बलवती हुआ, सामने आया, और जिसमें जो अफ्रीका के, लेटिन अमेरिका के, एशिया के जो राष्ट्र थे उनमें सैन्य तानाशाह भी उभर कर सामने आए, सैनिक तानाशाह जो थे वे उभर कर सामने आए, और अधिनायकवाद को एक इस प्रकार की जमीन मिल गई जिसमें यह समस्त विश्व में शासन व्यवस्था फैल गई और जनता का इसे समर्थन प्राप्त होता रहा। जनता का मानना था कि अधिनायक तंत्र है वह राष्ट्र के विकास के लिए है, और इस उग्र राष्ट्रवाद की भावना में अधिनायकों का जनता के द्वारा समर्थन किया गया। तो आज की क्लास में केवल इतना, अधिनायक तंत्र से क्या आशय है, अधिनायक तंत्र के कितने प्रकार हैं, और अधिनायकवाद के क्या लक्षण हैं, क्यों यह अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्लास में हम अधिनायकवाद के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।